गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में हम लोग देखेंगे विश्व शांति स्तूपा जो कि सारनाथ बनारसी में स्थित है, और साथ ही अशोक के उस स्तूपा को देखेंगे जहां पर अशोक ने अपनी जिंदगी का पहला उपदेश दिया था। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो देख रहे हैं सामने में, जो तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में जो बाबियान में मूर्ति तोड़ा गया था भगवान बुद्ध का, 80 फीट का, 80 फीट हाइट का, उसके उपलक्ष में 80 फीट हाइट बनाया गया। इसका नाम है विश्व शांति स्तूपा। एक शांति स्तूप इसलिए बनाया गया है, वर्ल्ड में शांति के लिए बनाया गया है। ये 25 नवम्बर 2010 को उद्घाटन किया गया है BL जोशी, उत्तर प्रदेश चीफ गवर्नर के द्वारा। और बगल में अशोक स्तंभ, अशोक चक्र लगाया गया है। ये रिपील का नॉट ओरिजिनल है, ओरिजिनल आर्कोलॉजिकल म्यूजियम के अंदर में है, उसी का फोटो कापी ये बना हुआ है। और ये जो गेट देख रहे हैं आप लोग, ऐसा गेट सांची में अशोका द्वारा बनाया गया है, MP नियर भोपाल, सेम उसका रिपील का फोटो कापी ये बना हुआ है। ये सब गांव है, ये सब जो गरीब वर्ग के हैं, जैसे हैंडलूम चलता है इधर, 750 हैंडलूम दिया गया है दलाई लामा के समय। जैसे मैं बनारस की साड़ी, बनारस का सूट, तिब्बतन बेड कवर इधर बनता है, इधर से बन कर टाउन को जाता है, टाउन में इसका टैक्स बैट लग जाता है, कमीशन लग जाता है, डब्बे लग जाता है, पॉलिश लग जाता है। यहाँ पर टैक्स बैट, कमीशन, डब्बे, पॉलिश नहीं होता है। जो टाउन में 1250 को होता है, 1250 को, यहाँ पर वही चीज़ 750 को होता है, क्योंकि ये लोग व्यूअर्स होते बनाते हैं। जो मार्केट में, टाउन में 1500 को होता है, इधर 1000 रुपीज़ को होता है। ये लोग इधर बना के, बगल में बड़ा बिल्डिंग है, कॉपरेटिव सोसाइटी कैसे बनाते हैं यहाँ पर दिखाते भी हैं। देखने का कोई पैसा नहीं लगता है। यहाँ से BPP पार्सल भी जाता है, क्रेडिट का, ATM कार्ड का, ऑनलाइन मशीन भी लगा हुआ है। अच्छा, पूरा मतलब देखते हैं। और जो मंदिर देख कर आए चाइनीज, उसका थाईलैंड का था। जी, यात्रा के क्रम में आज हम आ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नगरी बनारस सटी हुई सारनाथ धाम में। और सारनाथ धाम में कैसे स्थान पर हम जहां खड़े हैं, जो अपने आप में शांति का उपदेश देने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था इन 5 शिष्यों को। वो स्थान में अपने कैमरा मैन जितने जिसे कहूँगा कि दिखाएँ, इस स्थान को प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया। एग्जैक्टली वही स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों के साथ पहला उपदेश दिया था। और ये भव्य प्रतिमाएं प्रतीकात्मक तौर पर 5 शिष्यों की और महात्मा बुद्ध की। और ये लाल पत्थर से जड़ा हुआ पूरा महल उपदेश देते हुए, ये शुभांक जो बौद्ध भाषा के शुभांक हैं, वो ताम्र पर इनक्रेव्ड हैं, उभरे हुए हैं। जैसे हिंदुओं में ओम होता है, मुस्लिमों में 786 होता है, उसी तरह ये शुभांक है ये बुद्धिस्ट धर्म का। और इसका एक चक्कर जो है कितना माना जाता है? एक चक्कर का मुझे नहीं पता, लेकिन लोग इसको देखते हैं, मान्यता है ऐसी, उस चक्कर से घुमाने पर आप जिस तरह से माला जपने से आपको 108, इसका एक चक्कर 108, जैसे 108 माला हम लोग जपते हैं, 108 नग मन का। जी जी जी, एक राउंड लेने पर इसका 108 मनके के बराबर का पुण्य मिलता है, ऐसी मान्यता है। पहला स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। प्रतीकात्मक रूप से उनके शिष्यों के यहाँ पर विग्रह रखे हुए हैं, जिससे स्थान से सिद्ध होता है कि पहला उपदेश जन कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। और ये उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर इस स्थान को और ही
रमणी की, काफी पत्थर पर, सफेद पत्थर पर उभरी हुई है इनकी प्रतिमाएं हैं जिसपे गोल्डन लाइनिंग है। और ये वो खूबसूरत मंदिर है जो कि अशोक की स्मृति में यहाँ पर बनाया गया है। इसकी खूबसूरती लाजवाब है और ये सोने के पानी से चढ़ा हुआ है। ये इस स्थान की अलौकिकता को दर्शाता है। ये स्थान बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ पर घूमने ज़रूर आइएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।